महीने पहले मैंने डेडलिफ्ट में इंडिया के लिए रिकॉर्ड किया 305 किलो की डेडलिफ्ट, 187.5 किलो बेंच और 207। चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें। दिस इज रॉन्ग ब्रो, यू शुड नॉट डू दिस। सो ऑल राइट गाइज, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिट मसल टीवी यानी कौरव तनेजा सर की, जिनको कि कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया है। उसमें से अब आपको जो है एक छोटी सी क्लिप में दिखा देता हूं। ए नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस। चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, अब पिलाएगी। ऐसा मत कर। सो अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम करेंगे राजवीर फिटनेस सीरीज के बारे में, जिन्होंने कि बारबेल प्रेस का एक एक्चुअल फॉर्म बताई है। सो आपको मैं वो पूरी क्लिप दिखा देता हूँ। करते हैं यहाँ से रोड भाई चौड़ी पकड़ ली, उनको पता नहीं है कहाँ से पकड़नी है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, वर्ड गलत निकल जाए मेरे मुँह से तो इग्नोर कर देना यार, गलत है जिन कोई गलत नाम गलत निकल जाए एक्सरसाइज का, वो गाली वाली नहीं तो पता नहीं होता है। और इसको हम यहाँ से उठा के ना इस तरह से उठाते हैं, ये तू भी उठाता है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो टेक्निक है, यहाँ से जब आप उठाएंगे तो सबसे पहले तो आपका वेट आप उतना नहीं मार पाओगे जितना आपको मारना चाहिए आपके शोल्डर्स की ब्रॉडनेस बढ़ाने के लिए, अपने डेल्ट्स को राउंड करने के लिए जितना वेट लिफ्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाओगे क्योंकि टेक्निक गलत है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा क्लोज पकड़ेंगे और जो हमारी एल्बोज हैं ये बाहर जाने की जगह अंदर आएंगी यहाँ, और यहाँ से हम इसको लिफ्ट करेंगे जैसे मैंने चेस्ट एक्सरसाइज में बताया था, तो इसलिए मैं यहाँ से पकड़ रहा था। तो आप जब उठाओगे तो आपके शोल्डर्स यहाँ होने की जगह कोशिश करना अंदर हों, अंदर होंगे तो आप इसको वेट अच्छा लिफ्ट कर पाएंगे और दूसरा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाएगा। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 आप क्या करते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं होगा, एल्बोज अंदर आएंगे 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो जैसे हमारे सो ऑलराइट, अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट भी हम कह सकते हैं आज के हिसाब से, मुकेश गुरुजी के बारे में, जिन्होंने कि अभी अभी अपडेट किया है कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब किस लिए कर रहे हैं ये नहीं पता है, हो सकता है उन्हें उनका कोई मन बन चुका हो किसी कंपटीशन को खेलने का। उन्होंने अभी एक पिक डाल के ये बताया है कि वो अभी बल्किंग फेज़ में रहे और वो बहुत जल्दी अपनी जो पुरानी पिक्चर है उसको बीट करके दिखाएंगे। ऑलराइट, सो अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम करेंगे फिट माइंड्स के बारे में, जो कि रोडीज में ऑडिशन के लिए गए थे और अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आज से करीब करीब 6-7 साल पहले मैंने प्रिंस सर का ऑडिशन देखा था और वो बनाम पुशअप कराया गया था और वो एक छोटी सी टीवी के सामने मैं बनाम पुशअप कर रहा था और फिसला और सीधा हो गया और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा था और वहीं से फिटनेस का झटका आ गया था। ये रोटीन देख के मेरे को एक पुशअप करना है, ये करना है, वो करना है, फिर वहां से जिम में ट्रांजिशन हुआ, फिर कॉलेज गया तो मेरे को कॉलेज में पॉकेट मनी अर्न करनी थी, कैसे भी जुगाड़ पे लाइक देनी थी, नॉर्मल जिम जाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने हॉस्टल में लोगों को कॉलेज के लोगों को बुला के ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एक महीने बाद मेरे पे 15 लोग थे, हर किसी से बस नॉर्मल 2,000 रुपए लेता था, 30,000 अर्न करने लगा, फिर हॉस्टल की फीस पे करने लगा और वहां से फिर किसी ने कहा कि चलिए अब हम सुन लेते हैं कि तरुण गिल ने HSF और जीसलाल के बारे में क्या क्या कहा, उन्हें क्या उनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाई हैं। कैसे कर सकते हो यार, हाउ कैन यू डू दिस, एक लड़के का करियर जिंदगी बर्बाद कर देने क्योंकि उसने आपको 20,000 रुपए देके आपका कॉम्पिटिशन खेला और आपके किसी फर्जी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट आपने कराया है, कोई डोप टेस्ट कराया आपने, जो आपने वाडा कंप्लाइंट कहते हो, वो तो वाडा कंप्लाइंट भी नहीं हो यार, आप तो हो ही नहीं सकते बिकॉज वो तो गवर्नमेंट बॉडी है। बेसिस उसके आप किसी लड़के की जिंदगी खराब कर दोगे और उसको अपनी वेबसाइट के वॉल ऑफ शेम में डालोगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज लीगली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। आप किसी की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, वॉल ऑफ शेम में डालोगे उसको आप, आपके पास कोई राइट है किसी की जिंदगी खराब करने का ऐसे, और वो भी किसी एथलीट की जिसने आपको, दिस इज रॉन्ग ब्रो, यू शुड नॉट डू दिस। क्या बात, वाह क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जीत भाई, क्या बात है। तो मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है
तो अब स्कूल वाले क्या करेंगे, वो एक वॉल ऑफ शेम बनाएंगे अपनी वेबसाइट, अपनी स्कूल की वेबसाइट में एक पेज बनाएंगे वॉल ऑफ शेम, और उस बच्चे की फोटो डालेंगे उस पे कि देखो ये बच्चा फेल हुआ है, उसके पर्सनल रिमार्क्स टीचर से, ये फेल ये क्यों हुआ है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स ये फेल हुआ है, और उसको इतना बदनाम कर देंगे कि उसका जो भी मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल खत्म हो जाए। वाह, ये एग्जांपल सेट कर रहे हो नेचुरल के काम के लिए, नेचुरल कंपटीशन कह रहे हो, नेचुरल कंपटीशन, एंड दिस इज व्हाट यू डू टू योर फ्रिगिंग एथलीट्स, ये करते हो उनके लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बदनाम करते हो क्या यार, कम ऑन यार, हाउ कुड यू डू दिस, आप ये सोच भी कैसे सकते हो, वॉल ऑफ शेम यार। जीत भाई, ये वाडा वाले तो नहीं लग रहे हैं मुझे ब्लड टेस्ट लेते हैं, और आपको पता है डोप टेस्ट होता कैसे, यू इवन नो कि डोप टेस्ट कैसे होता है, ये तो ब्लड टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब, क्या है यार, क्या करते हो आप यार, और भोले वाले लड़कों के साथ देखो कैसे, ये ब्लड, ये तो सिंपल ब्लड वर्क कर रहे हैं भाई। एंड वन मोर थिंग गाइस, क्या पूछा, व्हाट अबाउट प्राइस मनी, आपने इतना हम लोगों से रजिस्ट्रेशन फी लिया, 20,000 मैंने पे किया था, उसके बाद 2,500 टैनिंग का पे किया था, मैंने क्लासिक फिजिक का ट्रंक लिया था 1,000 rupees का, मेंस फिजिक के में भी था मैं, उसमें मेरा 5th प्लेस आया, तो उसमें भी मैंने 3,000 का जो बोर्ड शॉट लिया था, मतलब लगभग मेरा टोटल जो कॉस्टिंग फ्लाइट का टिकट, क्योंकि ट्रेन से इतना दूर ट्रैवलिंग करना हार्ड था, तो इसलिए मैंने फ्लाइट लिया था, क्योंकि बॉडी अच्छा मतलब टायर्ड नहीं होना चाहिए इसलिए, सो ये सब मेरा लगभग 50,000 to 60,000 मेरा टोटल खर्चा हुआ। तो मैंने पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइज मनी, तो जीत सर ने मेरे मैसेज सीन किए और मुझे रिप्लाई नहीं। तो आप कह रहे हो जीत भाई कि जिस लड़के ने